इस सेशन में हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर अवेयरनेस के स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज इन, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी क्रिएट मॉडिफाई एंड क्वेरी डेटाबेसिस। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ होता है क्रिएट करने पे, मॉडिफाई करने के लिए और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। क्वेरी मींस इंफॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट, इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ, विच की इज़ यूज्ड, शॉर्टकट की यहाँ पे बात की गई है। कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, इट्स आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड व्हाट, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट और नन ऑफ दीज। इट्स आंसर इज ऑप्शन ए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट, अ डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेसिंग डायग्राम्स, प्रिंटिंग लेटर्स, रीडिंग बारकोड्स और प्लेइंग और नन ऑफ दीज। इट्स आंसर इज ऑप्शन ए ट्रेसिंग डायग्राम्स। नेक्स्ट, इन एक्सेल व्हाट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स, टैम्पलेट, वर्कबुक, एक्टिव सेल, लेबल और नन ऑफ दीज। इट्स आंसर इज वर्कबुक। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बैकअप फाइल्स, बैकअप फाइल्स के लिए क्या इनमें से ट्रू नहीं है। दीज आर द फाइल्स विच आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन वन सेव्स अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने पे ये फाइल्स अपने आप जनरेट हो जाती हैं, सो दिस इज राइट ऑप्शन। दीज फाइल्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट ड्यू टू आउट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कंप्यूटर और पावर फेलियर, कंप्यूटर के खराब होने में या पावर फेलियर होने पर ये फाइल्स प्रोटेक्ट करती हैं डॉक्यूमेंट को, सो ये ऑप्शन भी ट्रू है। दीज फाइल्स डिलीट एज सून एज कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है ये फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपर एक्सेल हाइपर लिंक्स कैन बी टेक्स्ट, ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स और ऑल दी अबव, इट्स आंसर इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव। नेक्स्ट, वॉट कैमरा इज यू पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेजेस इन अ डिजिटल फॉर्मेट, इट्स आंसर इज डिजिटल फॉर्मेट में इमेजेस को लेने के लिए डिजिटल कैमरा यूज होता है। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग इज वॉट, इट्स आंसर इज बी मॉडम, जो डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है उसको मॉडम कहते हैं। नेक्स्ट, वॉट डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल बाइनरी नंबर्स, सो इट्स आंसर इज बोथ 0 and 1। नेक्स्ट, इन एक्सेल हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप इन अ टेक्स्ट सिंगल सेल, सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे टाइप हो सकते हैं, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी 65,535 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें से सॉफ्टवेयर की टू कैटेगरीज कौन कौन हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन, विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दैट डेटा ट्रांसमिशन मीडियम मेड ऑफ टाइनी थ्रेड्स ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक्स दैट कैन ट्रांसमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से डेटा को इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक से बने हुए, टाइनी थ्रेड्स ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक से बनते हैं ये डेटा ट्रांसमिशन मीडियम, इनमें से कौन सा है, फाइबर ऑप्टिक केबल, कॉपर केबल, ट्विस्टेड फायर वायर केबल, नन ऑफ दीज और ऑल दी अबव, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडियम स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस और डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के टाइम पे डेटा को टेम्पोरली और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोरली स्टोर कौन करता है, इट्स आंसर इज ऑप्शन, इट्स आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कैश। नेक्स्ट, अ बाइट कैन होल्ड वन और वन डैश ऑफ डेटा, वन बिट ऑफ डेटा, वन बाइनरी डिजिट ऑफ डेटा, वन कैरेक्टर ऑफ डेटा, वन KB ऑफ डेटा, वन नन ऑफ दीज, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी कैरेक्टर ऑफ डेटा। नेक्स्ट, इन एक्सेल द सेल लेबल्ड F5 रिफर्स टू वॉट, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी कॉलम F एंड रो 5। नेक्स्ट, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की लोगो F, विंडोज लोगो एंड अलॉन्ग विद F, वॉट विल इट जेनरेट, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी फीडबैक हब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, अ रिसीव्ड ईमेल में बी रीड, अनरीड, स्टोर्ड और ऑल दी अबव और नन ऑफ दीज, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल, फायरवॉल का की फंक्शन इनमें से क्या है, मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, रिकॉर्ड, कॉपिंग और मूविंग, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, ऑन विच बटन डज हेल्प मेन्यू एग्जिस्ट, हेल्प मेन्यू इनमें से किस बटन में होता है, एंड बटन में, स्टार्ट बटन में, टर्न ऑफ बटन में, रीस्टार्ट बटन में, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी स्टार्ट बटन में। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड व्हाट, इफेक्ट्स
कस्टम एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, प्रेजेंट एनिमेशंस और ऑल दी अबव। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांजिशंस। नेक्स्ट, इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट बटन और बटन्स टू बी प्रेस्ड फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। इसमें से इस शॉर्टकट की कौन सा है, बटन या बटन टू बी प्रेस्ड फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। कुछ सेलेक्टेड सेल्स से चार्ट क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन से शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, F11। नेक्स्ट, द एक्सेल इन एक्सेल डिवाइड सिंबल इज व्हाट, फॉरवर्ड स्लैश, डी, बैकवर्ड स्लैश और पैरेंथेसिस और ऑल दी अबव। इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ व्हाट। इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ पेपर मूवमेंट्स। नेक्स्ट, लाइक अ वायरस इट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। वायरस की तरह ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, इनमें से कौन सा। और इसके बीच में द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड दिस इज दैट अ वॉर्म डज नॉट क्रिएट कॉपीज ऑफ इट सेल्फ। वॉर्म अपनी कॉपीज क्रिएट नहीं करता ऑन वन सिस्टम, इट प्रोपेगेट्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू प्रोपेगेट करता है। इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, वॉर्म। नेक्स्ट, आउटपुट हार्डवेयर इज ऑफन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज एक्सपेंसिव, वेदर इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, वेदर इट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, वेदर इट कैन फिट ऑन ए डेस्कटॉप और नन ऑफ दीज। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, वेदर इट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट, the affordable and affordable technology that uses existing telephone lines to provide high speed connections is called what. Its answer is option d, dsl. dsl is digital subscriber line. digital subscriber line iski full form hai. digital subscriber line kya hai, an affordable technology hai that uses existing telephone lines, jo telephone lines bichhi hui hain unko use karta hai to provide high speed connections. ye hoti hai digital subscriber line. ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, और ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेलीफोन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल और कंपाइलर। इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट रिमेन्स इन द मेमोरी वाइल अदर प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड व्हाट, रेजिडेंट प्रोग्राम, नॉन रेजिडेंट प्रोग्राम, परमानेंट प्रोग्राम, नन ऑफ दीज और ऑल दी अबव। इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, रेजिडेंट प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जो कि मेमोरी में रहता है जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है उसको रेजिडेंट प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। इसमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है एक्सेल में, नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट और टाइम और ऑल दी अबव। इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, कैरेक्टर।